नमस्कार साथियों, आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई यूएई में अगर आप दुबई रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, शादीशुदा होने के बावजूद आप थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में रह रहे हैं। अब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आप लेडीज़ के साथ रह रहे हैं, लेडीज़ पुरुष के साथ, मैन वुमेन के साथ रह रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम बात करेंगे हस्बैंड और वाइफ दोनों की। जी हाँ, कि इन दुबई का यूएई का कानून क्या कहता है, आपको किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये केस अभी आया था मेरे सामने, तो आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना ज़रूरी है कि यूएई में, दुबई में शादीशुदा होने के बाद में अगर आप थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन है, या इसको बोला जाए एक हिंदी लैंग्वेज में कि अवैध संबंध है, जी हाँ, जिसका आपके हस्बैंड को या फिर आपके पत्नी को पता लग गया है कि भाई मेरी वाइफ के या फिर वाइफ को लगे कि मेरा पति का किसी थर्ड पर्सन के साथ में अवैध संबंध है, आपके पास इसके सबूत हैं, तो आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, यूएई का कानून क्या बोलता है, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, डिटेल से हम बात जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, वीएई में बता दूं, शादीशुदा होने के बाद में थर्ड पर्सन से अवैध संबंध रखना कानूनी अपराध माना गया है। जी हाँ, और इस पर बता दूं, 1987 में जो कानून बना था, एक्ट कानून नंबर 3 के अनुच्छेद 356 में ये बात प्रावधान बताया गया है कि भाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसको कानूनी अपराध माना जाए। जी हाँ, चाहे आप संबंध सहमति से रख रहे हैं, हालांकि आप रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ रखते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संबंध तो सहमति से ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत है, कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ में। अगर मान लीजिए आप ये काम कर रहे होते हैं, आपकी वाइफ कर रही होती है, आप पति कर रही या पत्नी कर रही होती है, पति कर रहा होता है, एक दूसरे को पता लग जाता है और उनके पास एविडेंस मिल जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उनके खिलाफ में पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, और अपने सबूत के साथ में ये बातें रखी जा सकती है। जी, इसमें बता दूं, 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और देश निकाला भी किया जा सकता है, तो आपको सावधान रखने की जरूरत है इसमें। दूसरी बात अगर बता दूं, 14 साल से कम उम्र के अगर आप उनके साथ में ऐसी हरकतें करते हैं, अगर ये सिस्टम, ये ऐसी हरकतें जो रिलेशनशिप या गलत हरकत, आप 14 साल से कम उम्र के साथ में अगर ये हरकत हो जाती है, तो उनको अस्थायी कारावास किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची जो भी हैं, उनके साथ में आप गलत हरकत करते हैं, तो आपको लंबी अस्थायी कारावास की सजा दी जा सकती है। जी हाँ, बता दूं, अगर सबूत आपके पास हैं, आपको लगता है कि आपकी पत्नी, आपका पति अवैध संबंध हैं और सबूत हैं, तो पुलिस स्टेशन में आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 2 साबित होने पर ब्लैकलिस्ट होंगे, इंडिया दुबई से निकाल दिया जाएगा। ये एक्ट 1931 एक्ट में कानून नंबर में बताया गया है। बदमाशी करना, दुराचार करना, इनको सजा मिलनी तय होती है भाई, क्योंकि ये एक सम्मान के खिलाफ है। चाहे पत्नी गलत कर रही है, चाहे पति गलत कर रहा है, थर्ड पर्सन के साथ में, उनको पता है कि ये अवैध है, गलत है, और सबूत आपके पास हैं, तो एक सम्मान को ठेस पहुंची है। वीआई में भाई सम्मान सबसे बड़ा होता है, हर चीज छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखा गया है, और सम्मान को दिलाने के लिए ये सजा का प्रावधान किया गया है भाई। जी, जांच में साबित हो जाती है तो उनको निकाला, 1 साल की सजा का प्रावधान है प्लस देश से निकाला, ये तो दोनों होंगे ही होंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप पुलिस स्टेशन में केस करेंगे, आपका कोई फीस नहीं लगेगी, कोर्ट में भी आप ये, अगर आप लगता है कि मुकदमा करना चाहिए, आपको शिकायत करनी चाहिए, तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। ज़्यादा अगर इस पर आपको कानूनी जानकारी लेनी होती है, तो भाई वीआई में बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनसे आपको राय मशवरा करके इस पर आगे आपको फॉलोअप करना चाहिए। जी हाँ, बस ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।